Good morning everyone, I am Dr. Lalitha, urologist and urogynecologist, a consultant at Medicover Hospital, Hitech City. Today I will be talking about blood in the urine. Matlab, urine mein blood kyon jata hai, uske liye kya karna hai, kaun sa situation mein urine mein blood jata hai, especially female patients mein. Auraton mein peshab mein blood jaane ke wajah kya hai, usko kya ilaaj karna hai, uske bare mein hum discuss karenge. Sabse common cause hai aur sab jante hain, aam janta bhi jante hain, doctors bhi jante hain, urine mein blood ja raha bole to sabse pehle infection sochte hain. Urinary infections mein blood ja sakta hai, wo sabse common cause hai. But इन्फेक्शन बोल के 100% हम नहीं बोल सकते, वो कॉमन है. यूजुअली 90% ऑफ द केसेस में वुमन में यूरिन में ब्लड जा रहा तो इन्फेक्शन ही हो सकता है. बट अनलेस हम थोड़ा और जांच करने के पहले वी कैन नॉट बी 100% श्योर कि वो इन्फेक्शन ही है, क्योंकि कभी कभी दूसरे वजह से भी, दूसरे रीजन से भी यूरिन में ब्लड जा सकता है. एक है जैसा स्टोन्स किडनी में या यूरेटर में, मतलब किडनी के ट्यूब्स में या ब्लैडर में स्टोन्स है तो भी यूरिन में ब्लड जा सकता है. उसमें सिम्टम्स अलग अलग हो सकता है. ऐसा यूरिन इन्फेक्शन में ब्लड जा रहा तो उसके साथ यूरिन में जलन होना, बार बार यूरिन आना है और पेन के साथ होना, स्पेशली लोअर एब्डोमेन में पेन होना, ये सब यूरिनरी इन्फेक्शन का, स्पेशली ब्लैडर इन्फेक्शन का सिम्टम्स है. उसके साथ ब्लड जा रहा है तो हम यूजुअली इन्फेक्शन से ब्लड जा रहा सोचते हैं. या स्टोन के वजह से जा रहा ब्लड बोले तो किडनी में, मतलब कमर में दर्द होना, उसके साथ सीवियर पेन होना, उल्टी होना, साथ में अगर यूरिन में थोड़ा सा ब्लड जा रहा है तो शायद स्टोन है बोल के सोचते हैं. कभी कभी पेनलेस हिमेचूरिया बोलते हैं, कोई पेन नहीं होता, ना यूरिन में जलन होता है या ना कमर में दर्द होता, फिर भी ब्लड जा सकता है. पेनलेस हिमेचूरिया यूजुअली किडनी में ट्यूमर होने से जा सकता है या ब्लैडर में ट्यूमर से भी ब्लड जा सकता है, मगर उसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट पेन हो सकता है. तो अभी हम चार पांच रीजंस देखे हैं यूरिन में ब्लड आने का. सिम कॉमन एंड मोस्ट हार्मलेस इज़ यूरिन इन्फेक्शन. तो उसके बाद स्टोन से भी ब्लड जा सकता है, ट्यूमर से भी ब्लड जा सकता है. एज आई सेड, हम थोड़ा जांच के बिना कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते क्यों जा रहा. सो ये मेरा मैसेज है फॉर द जनरल पब्लिक एज वेल एज द जनरल प्रैक्टिशनर्स. यूरिन में जब वुमन कंप्लेंट करता है यूरिन में ब्लड जा रहा तो सीधा एंटीबायोटिक ले लेना या एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना, ठीक है कोई बात नहीं इन्फेक्शन में चले जाता बोल के ये छोड़ना नहीं है. इन्फेक्शन अगर सिम्टम्स है तो इन्फेक्शन का दवाई ज़रूर दीजिए, बट उसके बाद हम थोड़ा जांच तो करना है, यूरिन टेस्ट करना है, उसमें ब्लड जा रहा कि देखना है, या यूरिन कल्चर करना है, इन्फेक्शन है या नहीं देखना है, और बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो है अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन पूरा किडनीज़ का, ब्लैडर का एंड इवन द पेल्विक ऑर्गन्स, वुमेन में यूट्रस का भी अल्ट्रासाउंड. सो पूरा एब्डोमेन एंड पेल्विस का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो क्या वजह से यूरिन जा रहा 90% हम बोल सकते हैं. उसके बाद लेडी को जांच करना भी ज़रूरी है. डॉक्टर तो पेशेंट को एग्जामिन भी करना है, क्योंकि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स में पेशेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है पीरियड्स के पहले भी या पीरियड्स के बाद, थोड़ा सा स्पॉटिंग जैसा होता है या यूरिन पास करे जब थोड़ा ब्लड जा रहा है तो वो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यूरिन का ब्लड है, बट वो पॉसिबल है, वो यूट्राइन वेजनल ब्लीडिंग हो सकता है. यो तो जांच करना है डॉक्टर को ज़रूर, पेशेंट को एग्जामिन करना. समटाइम्स पेशेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या कहाँ से ब्लड जा रहा, यूरिन में ब्लड जा रहा तो वो अलग वजह है, यूट्रस से ब्लड जा रहा है तो वो अलग वजह है. कभी कभी हमको एग्जामिनेशन में, अल्ट्रासाउंड में समझ में भी नहीं आ सकता है, तब स्पेशलिस्ट मतलब यूरोलॉजिस्ट सिस्टोस्कोपी भी करके देखते हैं ब्लैडर में कुछ है क्या, या उसी टाइम स्पेकुलम एग्जामिनेशन से यूट्रस देखना है. वो डिफरेंशिएट हो जाता है, वो यूट्राइन ब्लीडिंग है या यूरिन में ब्लड है. और ये नहीं है कि यूरिन में ब्लड जा रहा तो एक तो हमेशा इन्फेक्शन ही बोल के नहीं सोचना,
इन्फेक्शन हो सकता है उसका दवा दीजिए बट साथ में जांच भी कर लीजिए. सेकेंड मैं एक कॉज ये भी बोले हैं, ट्यूमर हो सकता है किडनी में या ब्लैडर में. तो ये सोच के कोई भी पेशेंट यूरिन में ब्लड जाते ही घबराना नहीं कि अरे मुझे कैंसर हो गया, वो भी सही नहीं है. तो सही डायग्नोसिस सही पता करना है कि किस वजह से यूरिन में ब्लड जा रहा है. इन्फेक्शन हो सकता है एक एंड में, दूसरे एंड में ट्यूमर भी हो सकता है. उसमें क्या वजह से जा रहा तो आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए. अगर डाउट है तो स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए. अपने आप ठीक है ये इन्फेक्शन ही है, आम इन्फेक्शन में ब्लड जाता बोल के एंटीबायोटिक खा के घर में नहीं रहने का, सही एवेल्युएशन होने का, तभी अगर कुछ और सीरियस प्रॉब्लम है तो शुरुआत में हम पता कर सकते. बस ये तो बहुत ईजी भी नहीं लेने का है और ब्लड जाते ही घबराने का नहीं है, अरे मुझे कैंसर हो गया, टेंशन में नहीं आने का, स्ट्रेस नहीं लेने का. डॉक्टर के पास जाना है, जो मिनिमम इन्वेस्टिगेशंस में बोली वो यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो पूरा पता चलेगा. अगर उसके बाद ज़रूरत है तो यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट कराना.